हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं बीसीके के रिगार्डिंग। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपका चैप्टर 6 किस तरीके से करना है, क्या सब कुछ करना है और कुछ टर्मिनोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक बुक चाहिए जो ICAI ने इशू कर रखे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की, एक रजिस्टर चाहिए और जो जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको हर चैप्टर के साथ वो जरूर फॉलो करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सबसे पहले बुक के अंदर चैप्टर 6 खोलेंगे, पेज नंबर 6.1 के ऊपर वहां पे देखेंगे बिजनेस टर्मिनोलॉजी आ रही होंगी बहुत सारी। अगर आप पेजेस आगे फ्लिप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको याद रखना और सबको समझना पॉसिबल नहीं रहता। और इन वीडियोस या लाइव लेक्चर के अंदर भी एक लिमिटेशन आ जाती है कि कितने टर्मिनोलॉजीज मैं आपके साथ पिक करूं। ध्यान रखिएगा आपको इसको कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले तो ये चैप्टर को ब्रॉडली अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी जैसे होगी फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज, फिर आएंगी मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज कुछ, फिर आएंगी अदरवाइज बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, फिर अदर टर्मिनोलॉजीज, ऐसे अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले जो मैं आपके साथ पिक करने जा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 6 की फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज पिक करने जा रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में डील होती है। इसके रिगार्डिंग देखना, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है ध्यान समझना, मैंने पेज नंबर लिखा है और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है, इस तरीके से मैंने ब्रेक डाउन कर रखा है। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से मतलब जो भी ये टर्मिनोलॉजीज है मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा आपके साथ सारी डिस्कस करने के लिए, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजीज बचती है ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दी जानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने उनको भी करके जाना है। बट ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जिसके अंदर बच्चे यूजुअली बताते हैं कि सर हमें दिक्कत आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रही, तो ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से समझ लिया इन वीडियोस के थ्रू, बट इसके अलावा जो बाकी टर्मिनोलॉजीज रह गई है उसको छोड़ के नहीं जाना है, उनको भी आपने साथ के साथ करना है। कोई भी टर्मिनोलॉजी में आपको डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स मुझे छोड़िए, मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप वीडियो 2 मिनट पॉज करके इन सभी टर्मिनोलॉजीज को फटाफट से अपनी बुक्स के अंदर मार्क कर लीजिए, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज को। होपफुली ये सारी आपने टर्मिनोलॉजी मार्क कर ली हो। चलो अब एक एक करके ये टर्मिनोलॉजी समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। जब हम फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज की। आपको जैसे पता होगा कि जब से कोरोना वायरस आया है तब से हमारा स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ही गिर चुका है, सब कुछ रेड में चल रहा है। आपने हो सकता है अपने घर वालों को सुना भी हो ऐसे बोलते हुए। अब ये है क्या उस चीज को समझते हैं। सबसे बेसिक चीज, किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब जो मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसे इंडेक्स बोलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर 2 इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, ये टॉप के इंडेक्सेस हो गए। सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को और निफ्टी रिप्रेजेंट करता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को, यानी कि टॉप 30 कंपनीज तो कॉमन ही हो गई है। अब ये इंडेक्स, अगर ये टॉप कंपनीज बढ़ेंगी तो ये इंडेक्स भी बढ़ेगा, अगर ये टॉप कंपनीज गिरेंगी तो ये इंडेक्स भी गिरेगा। यहां तक होपफुली आपको समझ में आ रहा हो। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का मतलब होता है वो कंपनीज जो सबसे बड़ी कंपनीज होती है उस कंट्री की, उसका एक इंडेक्स बनाया जाता है जो मार्केट का रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है। अगर मार्केट में सबको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी यानी कि बुल मार्केट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रीन में दिखा रहा होगा, यानी कि बुल मार्केट का मतलब फ्यूचर में आपको दिख रहा है कि मार्केट बढ़ने वाली है। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाली है जैसे कि आज के टाइम पे कोरोना वायरस के चक्कर में हो रहा है तो उसे बोलते हैं बियर मार्केट, यहाँ पे जहां पे सबको लगता है कि फ्यूचर में मार्केट गिरने वाली है। अभी तक जो हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है फटाफट से इनको देखते हैं। एक तो हमने पढ़ी है बियर मार्केट, यानी कि वहां पे ऐसी मार्केट जहां पे सबको लग रहा है कि मार्केट आगे गिरने वाली है। एक आती है यहाँ पे बुल मार्केट, बुल मार्केट मतलब जहां पे सबको लग रहा होता है कि मार्केट बढ़ने वाली है फ्यूचर के अंदर। इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स के मैंने एग्जांपल दिए जैसे इंडिया के अंदर कौन कौन से एग्जांपल हो गए, सेंसेक्स और निफ्टी, ये रिप्रेजेंटेशन होता है स्टॉक मार्केट का। होपफुली यहां तक डेफिनेशन आपकी कवर हुई हो। अब इसके आगे समझते हैं, मुझे बताइए जैसे मैंने बोला टॉप 30 कंपनीज टॉप 50 कंपनीज, तो इसको डिसाइड करने का कोई ना कोई तो तरीका होता है, यानी कि टॉप 50 या टॉप 30 कंपनीज को डिसाइड करने का एक तरीका होता है जिससे हम निकालते हैं कि भाई ये टॉप 30 कंपनीज है या टॉप 50 कंपनीज है। वो तरीका क्या है, वो तरीका है मार्केट कैपिटलाइजेशन का।
मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक शेयर का मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में इशू कर रखे हैं। दोबारा से, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर का कितना प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इसे बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे एक टाइम पे इंडिया के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन रख रही थी, कहने का मतलब वो टॉप 50 कंपनीज में सबसे ऊपर की तरफ थी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस कंपनी का सबसे ज्यादा होता है, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो कंपनी टॉप बन जाती है। मतलब कि टॉप 50 कैसे डिसाइड होंगी, इंडिया की टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी, टॉप मार्केट वैल्यू वाली कंपनीज। यहां तक भी हमें हो सकता है ये डेफिनेशन पिक हो रहा हो। इसी हिसाब से एक और टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं, बिजनेस ट्रेडिंग डे की। आपको जैसे पता होगा कि नॉर्मली जो वर्किंग डेज होते हैं ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब किन किन दिन आप शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो, वो होता है यूजुअली मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे के दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद रहता है, और अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है उस दिन भी स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा। यानी कि नॉर्मल ट्रेडिंग डे की जब बात करें, बिजनेस डेज की बात करें, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को छोड़ के और एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज। ट्रेडिंग कब से कम हो सकती है, अब बच्चे को मन करा कि रात को 11 बजे शेयर खरीदना है तो खरीद सकता है, बिल्कुल भी नहीं। एक टाइम पीरियड डिफाइंड होता है जिसे मैं बोल सकता हूँ 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, यानी कि 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएंगी और 9 बजे मार्केट खुल जाएंगी। 9 बजे भी एग्जैक्टली मार्केट खुलती नहीं है, 9:15, 9:30 बजे जाके मार्केट आपकी खुलना शुरू होती है सभी जो आम लोगों के लिए। 9 बजे से लेके 9:15 तक ये जो 15 मिनट होते हैं इसे बोलते हैं प्री ओपनिंग सेशन। क्या बोलते हैं, प्री ओपनिंग सेशन, 9 बजे से लेके 9:15 तक। तो यहां पे देखते हैं, एक तो हो गया ट्रेडिंग सेशन हमारा, ट्रेडिंग सेशन मतलब जो 9:15 से लेके 3:30 बजे तक आपके पास टाइम होता है। एक हो गया प्री ओपनिंग सेशन 9 बजे से लेके 9:15 तक का, और एक और हमने किया बिजनेस डे की बात। तो होपफुली यहां तक आपकी टर्मिनोलॉजीज कवर हो चुकी होंगी। ध्यान रखिएगा साथ के साथ, ये टर्मिनोलॉजी जैसे जैसे मैं आपको कर रहा हूं, वीडियो खत्म होने के बाद आपने इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना जरूर है। अगर नहीं समझ में आए वीडियो दोबारा से देखिए। इन टर्मिनोलॉजीज को साथ के साथ बुक की लैंग्वेज कवर करिए, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, सिर्फ इनको ही करके नहीं जाना, बाकी टर्मिनोलॉजी भी आपने कवर करनी है। ध्यान रखिएगा जैसे ही वीडियो खत्म हो ये जो टर्मिनोलॉजीज मैं टिक करवा रहा हूँ इनको जरूर पढ़िए, ताकि आपका साथ के साथ कवर होता जाए। एक आधी टर्मिनोलॉजी और पिक कर लेते हैं, जैसे एक सिंपल टर्मिनोलॉजी पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। हो सकता है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और रेशियो ही लग रहा हो, जैसे आपने अकाउंट से पढ़ा हुआ है रेशियो एनालिसिस में, बट एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पीई रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पीई रेशियो बताता है कि आप पैसा कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करिए, कितनी मार्केट वैल्यू इन्वेस्ट करिए ताकि आप वो पैसे कमाएं। पीई रेशियो कंपनी का बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये रेशियो याद करना है, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। होपफुली जितनी टर्मिनोलॉजी मैं अभी तक पिक की ये आपको समझ में आ रही हो। कोई भी डाउट्स हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़िए, ताकि मैं आपको वापस कनेक्ट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।